गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 170 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 170 में बेच रहा है तो कितने प्रतिशत की हानि? 15% की। 170/15% की हानि मतलब 85 में कितना लाभ कमा रहा है? 10%, ये हो जाएगा 110 के बराबर है। तो 17 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 17 बार, ये 5 से चला जाएगा 22 बार, 17 से ये चला जाएगा 10 बार, 22 इंटू 10 बराबर 220। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, दिए गए वृत्त में जिसका केंद्र O है, केंद्र पर बनने वाले अधिक कोण का माप 104 है, वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज में कोण O के सम्मुख कोण का माप कितना होगा? कोण O के सम्मुख कोण का माप कितना होगा? तो ये इधर है A, ये हो जाएगा इधर B और ये हो जाएगा C, इधर अपन एक D और मान लेते हैं ऐसा कोण, तो हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी, ए डी बी बराबर 1/2 ए ओ बी, तो इसका मान आ जाएगा 104 degrees/2 बराबर 52 degrees। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण ए सी बी बराबर 180 degrees minus कोण ए डी और बी, तो 180 माइनस 52 degrees, तो हो जाएगा कितना? 128 degrees। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 6/25, 4/45 और 3/35 का लघुतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी बिन में अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाले होता है, तो अंश का इसमें आएगा LCM और हर का आएगा HCF। तो ऊपर वाले का LCM आ जाएगा 12 और नीचे वाले का एलसीएम आएगा 5, तो 12/5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 69 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 69 किलोमीटर को अपन पहले मीटर में बदल लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो अपन 3 का भाग देते हैं 6, इधर 3 का भाग देंगे तो 23 इंटू 5 115/6 मीटर प्रति सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 32 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में और बिजली के खंभे को 8 सेकंड में, 32 माइनस 8 बराबर 24, तो हो जाएगा 115/6 × 24, तो 24 × 6 = 4 बार, 115 × 4 = 460 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, उनका लघुतम कितना होगा? तो ये संख्याओं का अनुपात 3:7 और HCF कितना है? 3, तो संख्या हो जाएगी 3×9 और 7×21, तो 9 और 21 का LCM 3 का भाग देंगे, 3×9 3×7 = 21, 21×63 इसका आ जाएगा LCM आ जाएगा 63। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, राधा और वात्सल्य ने एक कारोबार में 36,000 और 42,000 का निवेश
या सक्रिय भागीदार होने के कारण राधा को कारोबार चलाने में हर महीने 637.50 अतिरिक्त मिले, 637.50 अतिरिक्त मिले। तो राधा राधा और वात्सल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? इधर 36:42, 6 से संग संग 36:67, 42:6:7। राधा को कितने मिल रहे हैं हर महीने? 637.5। तो 12 महीने में कितने मिलेंगे उसको? इंटू 12 से, तो 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल की 1 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12। अब इंटू में आ जाएगा इधर 5 7 3 और 6, 0 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल की 1 3 दूनी 6 6 1 7, 6 1 7। तो इसको मिल रहे 7,650। 3 साल में कितना मिलेगा इसको? 0 3 5 15 का 5 हासिल की 1 6 18 19 का 9 हासिल की 1 7 21 1 22, 22,950, 22,950। तो 3 वर्ष में राधा को कुल कितना मिला? 31,500। तो 31,500 माइनस 22,900, 0 0, 15 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, इधर बच गया 0। 30 30 30 में से 22 चला गया तो 8, 30 में से 22 चला गया तो 8, 8,600, 8,600, 8,600 इसका मान हो गया 8,600/6 और वात्सल्य का मान 7, 8,600/6 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई 0 0, 7 से 42 का 2 हासिल की 4, 7 8 56 और 4 60/6, तो ये हो जाएगा 6 एकम 22,950 है इधर, 22,950। तो 0 इधर हो जाएगा 22,000, 31,500 में से कितना जाएगा? 22,950। तो 0 इधर इधर आ जाएगा 10 10, इधर आ जाएगा 10 10, में से 5 चला गया 1, 10 में से 5 चला जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5, 10 में से 5 चला जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4, 4 इधर आ जाएगा 14, 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना? 5, 14 में से 9 चला जाएगा तो 5, 30 30 में से 22 चला जाएगा तो 8, 8,850/6 इंटू 700, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 0 7 5 35 का 5 हासिल की 3, 7 5 35 और 3 38 हासिल की 3, 7 8 56 और 5 69/6, 6 नाम 54 और 54 और 5, फिर 6 नाम 54 और 4 4, 6 7 42 और 6 5 30, 9,975। आगे देखें स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन, 81 91 101 और 111 का महत्तम समाप्तांक कितना होगा? 81 91 और 111 का महत्तम समाप्तांक कितना होगा? तो 81 91 101 और 111 का महत्तम समाप्तांक कितना होगा? इनका महत्तम समाप्तांक होगा 1, HCF बराबर 1। आगे देखें स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन, 101 की घात 3 का मान कितना होगा? तो 101 101 इंटू 101 इंटू 101,
तो 101 को 1 से, तो 101 को 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 101 का स्क्वायर कर लेंगे पहले, तो इधर हो जाएगा 01, इधर हो जाएगा 100। 10 को 1 से 10, और फिर 2 को 2 से 20, तो हो जाएगा 10201। 10 201 इंटू 101, अब फिर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10201, फिर इधर हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 10201, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1030301। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होता है? 5/8 प्राप्त होता है, तो 8/5 माइनस 5/8 कर देते हैं अपन, तब वो संख्या आ जाएगी, तो संख्या आएगी लघुत्तम आ जाएगा, 8 5 40, 8 2 8 64, माइनस 8 का भाग देंगे, 5 5 25, 64 माइनस 25 39/40। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, एक आदमी 2450 में एक मशीन खरीदता है और 10% लाभ पर उसे बेच देता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितने में खरीदा? 2450/100 के बराबर है, कितने मूल्य? 10% लाभ मतलब 110, 0 से 0, 0 से 0, तो 245 × 11, 245 × 11 करेंगे तो आ जाएगा 2695। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 तथा इन 6 धनात्मक में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 24, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान संभव हो सकता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर छोटी संख्या मान लेते हैं अपन, छोटी छोटी संख्या मान लेते हैं अपन अक्स, और बड़ी संख्या मान लेते हैं अपन 24 माइनस अक्स, 24 माइनस अक्स, तो संख्या हो जाएगी आंकड़ों का औसत 55 बराबर अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स 4, ये हो जाएगी 5, और अक्स प्लस 24, एक्स प्लस 24 बटा कितनी संख्या? 6, तो हो जाएगी 55 × 6, 6 एक्स प्लस 24 बराबर 55 × 6 330, 6 एक्स बराबर 306, एक्स बराबर 51, एक्स बराबर 51, तो अधिकतम मान कितना? 51 प्लस 24, 51 प्लस 24 बराबर 75। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, अनिल बालू से दोगुना कार्य कुशल है। अनिल अनिल किससे? बालू से। कितना गुना? दोगुना कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, ये तो हो गया किसका? कार्य का, और समय का अनुपात उल्टा होता है, समय का अनुपात 1:2, वे एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में, तो 12 × 3, 12 × 3 बटा अनिल अकेले उस काम को, तो अनिल की कितनी आगे आ गई स्पीड? 2 की, तो 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 × 3 18 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, एक धनराशि का निवेश 7.2 वर्ष हेतु किए जाने पर परिपक्वता ब्याज के रूप में 5768 प्राप्त होते हैं। 5700 कितना? 68। यदि साधारण ब्याज की दर पर लागू की गई धनराशि, धनराशि कितनी है? धनराशि ब्याज पर लागू की दर पर 2% अधिक होती तो कितना मिलता? 6,600
सौ 6,272, तो 6,272 माइनस 5,768 बटा, तो कितना आएगा? 504, 504, 504 कितने की दर हो गई? 2%, 7.2 वर्ष। तो 7.2 इंटू कितना? 2%, प्रतिशत की जगह चला जाएगा 100 ऊपर, पॉइंट हटेगा नीचे से ऊपर आ जाएगा 10, तो पॉइंट हटेगा ऊपर आ जाएगा 10, तो ये किस से जाएगा? 2 से जाएगा 200, 2 से 25 और 2, 252, 252 ये बेहतर बेहतर से जाएगा 7 या 3 बार और फिर 5 बार, तो ये जाएगा 3,500। आगे देखें स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, 5/14, 6/7 और 10/21 प्रत्येक द्वारा पूर्ण रूप से भाग दिया जाने वाला सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? तो इसका निकालना पड़ेगा अपन को। लेस है 5/14, 6/7 और 10/21 का LCM, तो ऊपर वाले का LCM कितना आएगा? 6×5=30, 6×5=30 और नीचे वाले का HCF 14/7 और 21 का HCF आ जाएगा 7, तो 30/7। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 243 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 का मान, तो 243 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 3 3 9 39, 3 3 9 39, 27 27 81, इनको काटने पर ये इससे आ जाएगा 3 बार, इसका मान होगा 3। आगे देखें स्टूडेंट, 16वां क्वेश्चन, यदि अक्ष -3y = 9, यदि और अक्ष बराबर 6, तो y का मान कितना होगा? 4x - 3y = 9, अक्ष बराबर कितना? 6, तो ये जाएगा 4×6 - 3y = 9, तो 6×24 - 3y = 9, तो ये हो जाएगा -3y = 9 -24, तो इसका मान हो जाएगा -3y = -3y = -15, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, y = 5। आगे देखें स्टूडेंट, 17वां क्वेश्चन, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? तो घनों का योग, तो घनों का योग याद करने का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा कोष्टक n कोष्टक n +1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4, तो 4 बड़ा कोष्टक में 4, फिर हो जाएगा 4+1/2, तो हो जाएगा 4×5/2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 बार, 5×2 = 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। आगे देखें स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, 3 वर्ष हेतु 6% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 पर वार्षिक और चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का कितना ब्याज कितना होगा? अंतर कितना होगा? तीन वर्ष हेतु 6% की दर से 5,000 पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का अपन निकालते हैं, 3, 3 और 1, शॉर्ट ट्रिक, तो मूलधन कितना है? 5,000, दर कितनी है? 6%, तो 5,000 का 6% 300, 300 का 6% 18, 18 का 6% 18, 18 का 6% 0.08,
1.08, 1.08, 1.08, तो ये हो जाएगा 3 3 900 प्लस 18 3 54 प्लस 1.08, तो ये हो जाएगा 955.08। तो कितना? 955। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। एक गोले की त्रिज्या आर एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। इन दोनों ठोस का कुल आयतन 7/3 पाई आर क्यूब है। तो यदि एच बेलन की ऊंचाई, तो एच बटा आर का मान क्या होगा? बेलन और गोले का आयतन, बेलन प्लस गोले का आयतन बराबर 7/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 7/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इधर, पाई आर स्क्वायर इधर, बच जाएगा 3h प्लस 3h प्लस 4r बराबर 7/3, 7/3 पाई आर स्क्वायर और h साइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3h बराबर 3r, 3h बराबर 3r, h बराबर आर, तो एच बटा आर का मान हो जाएगा 1 1। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 21वां क्वेश्चन। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग के बीच का अनुपात, तो भरा और खाली, भरा हुआ भाग कितना है? 3, खाली कितना है? 2, 3:2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 22वां क्वेश्चन। दिए गए वृत्त में व्यास ए बी और बड़ी हुई जीवा सी डी से बिंदु, व्यास ए बी और बड़ी हुई जीवा कितनी है? सी डी। एक वृत्त दिया हुआ है, इसके अंदर व्यास कितना है? ये उसका व्यास हो गया ए बी, और ये इसकी जीवा कितनी हो गई? इसकी जीवा ये कितनी है? सी डी। सी डी ए पी सी डी, ए पी सी डी और डी पी, ये क्या है? इधर ए पी की पूरी की लंबाई कितनी है? ए पी की पूरी की लंबाई कितनी है? 18, 18। ये इसकी लंबाई कितनी है? 9। इसकी कितनी है? 3। तो 18 - 2r बराबर, 18 - 2r बराबर 12 × 9/18 बराबर 6। 18 - 2r बराबर 6, 2r बराबर 12, r बराबर 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स, r बराबर मतलब त्रिज्या बराबर 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 23वां क्वेश्चन। 331 इंटू 226 बराबर 7 8 7 4 7 4 8 0 6। तो ये हो जाएगा 303.31 बटा जाएगा नीचे 100 इंटू 0.226 की जगह जाएगा नीचे 1000।
7 4 8 0 6, 3 और 2 5, छोड़ के 0, 1 2 3 4 5, छोड़ के 0, मतलब 0.7, 0.74806। आगे देखें स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, एक सम कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 34√2 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर रूट बराबर 34√2, 34√2 का स्क्वायर, तो अक्ष स्क्वायर बराबर, अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 34√2 का स्क्वायर बटा 2, अक्ष बराबर 34√2 ऊपर और √2 नीचे, तो √2 से √2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार 34 इंटू ऊंचाई 34, ये हो जाएगा 2 से 17 बार, 17 × 34 578 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन, 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है। आगे देखें स्टूडेंट्स 27वां क्वेश्चन, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% दर से ह्रास होता है यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि वर्तमान मूल्य 12,288 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, कितना ह्रास हो रहा है 20%, मतलब 5 से कितना हो रहा है 4, 5 से 4, 5 से 4, तो पहले कितना था 125 था, अब कितना हो गया 64, तो 12,228 बटा 64 इंटू 125, 125, तो इससे चला जाएगा और इसका मान आएगा 24,000। आगे देखें स्टूडेंट्स 28वां क्वेश्चन, धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।